काश तू भी कभी दिखाई दे। हेलो, क्या मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? हो गया ईमान? कैसी हो? ठीक हूँ, तुम कैसे? पता नहीं, ठीक हूं भी और शायद नहीं भी। मुझे हालात पे बहुत अफसोस है। और मुझे किस्मत पर। किस्मत पे अफसोस बुजदिल लोग करते हैं, तुम तो बहुत बहादुर हो जीशान। मैं बहादुर नहीं हूं, बुरा हूं, बहुत बुरा हूं मैं। अपनी जिंदगी में मैंने कभी भी किसी को कोई खुशी नहीं दी। तुम बिल्कुल बुरे नहीं हो जीशान, तुम बहुत अच्छे हो। लेकिन सरिश बता रही थी कि तुम उससे नाराज हो। तुम्हें पता है ना, उसे इस वक्त तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। उसे समझने की कोशिश करो। मैंने उससे प्रॉमिस किया था कि हम दोनों मिलकर इस मुश्किल हालात को फेस करेंगे। मैं सरिश से इसलिए नाराज नहीं हूं कि उसने फैमिली को डिसअपॉइंट किया। मुझे तो उस जिंदगी का ईमान जिसे कबूल करने के लिए मैं अपने दिल में गुंजाइश पैदा कर चुका था, और सरिश ने उस जिंदगी को खत्म करके मेरे दिल के उस कोने को वीरान कर दिया। देखो जीशान, जिस तरह तुम सोचते हो उस तरह सरिश नहीं सोचती, वो अलग तरह फील करती है। उसने अपनी तल्ख यादों का गला घोटा है। जो हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन अगर इस वक्त तुम उसका साथ नहीं दोगे तो और बुरा होगा। वो वैसे ही अम्मी से बहुत बदगुमान है। एक तुम ही हो जो उसके अपने हो। अगर इस वक्त तुमने उसका साथ नहीं दिया तो वो टूट जाएगी। उसे समझने की कोशिश करो प्लीज। निशान, फोन क्यों नहीं उठा रहे मेरा? इस तरह महारानियों की तरह राज करने के बजाय अगर अच्छी बीवी बन के अपने शौहर के दुख को समझोगी ना, तो अच्छी जिंदगी गुजार सकोगी। अब तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे शौहर का ख्याल भी ये मुलाजमा रखेगी। आपको क्या प्रॉब्लम है? मैं एक मुलाजिमा रखूं या दो, आप अफोर्ड नहीं कर सकती, लेकिन मैं अफोर्ड कर सकती। आपने तो सारी जिंदगी इस घर में मुलाजिमा बन के गुजार दी। आपकी दोनों बेटियां ऐश कर रही हैं, ये सोचकर ही खुश हो जाए। ईमान की बराबरी तो तुम करना नहीं। वो इतने ऐश और इशरत में रहते हुए भी सारे काम अपने हाथों से करती है। अपने शौहर के लिए खाना बना के ऑफिस भिजवाती है, अपने ससुर का ख्याल रखती है, तुम्हारी तरह फ्री में रोटियां नहीं तोड़ती है। अम्मी, रोटियों के ताने तो आप मुझे दीजिएगा भी मत। इस वक्त ये घर मेरे शौहर के पैसों से चल रहा है, और इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी। जाकर बाकी घर वालों को भी बता दें आप। अच्छा, अब कौन सा नया हंगामा करना है तुमने? जरा मैं भी तो सुनू क्या चल रहा है तुम्हारे इस दिमाग में। सही सोच रही हैं आप। अगर आप लोगों ने मुझे ज्यादा परेशान करने की कोशिश की ना, तो मैं जिशान से कहूंगी कि वो मुझे अलग घर लेके दे और मैं वहां शिफ्ट हो जाऊंगी। फिर आप लोग सुकून से इस घर में रहिए। हम सबके सुकून की फिक्र तुम मत करो, और इस घर से दूर या अलग होने का तो सोचना भी मत। तुम्हारी हरकतों की वजह से सबके सामने मैं हमेशा शर्मिंदा होती रही, और कितना शर्मिंदा कराओगी? तुम्हारे अंदर तो ममता है नहीं। दूसरों को तो अपनी औलादों के साथ रहने दो, मत लो किसी की बददुआएं। अगर अपना दिल इतना सख्त रखोगी ना, तो कोई और भी तुम पे रहम नहीं खाएगा। फिलहाल तुम ही आप मुझ पर रहम खाएं और यहां से चली जाएं।
मुझे इस वक्त आपकी नसीहतों की जरूरत नहीं। और तुम एक चाय बनाने में तुमने इतना टाइम लगा दिया, घर का बाकी काम कैसे करोगी? अब खड़ी मत रहो, चाय को रखो यहां। शान क्यों फोन नहीं उठा रहा है? वालेकुम अस्सलाम। वो ये सर, शिपा ने मुझे आपके बारे में बताया था। प्लीज बैठिए। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हम कहीं मिले हैं, मैंने कहीं देखा है तुम्हें। जी जी बिल्कुल हुई है, ईमान भाभी की शादी में मुलाकात हुई थी आपसे। ईमान केश आलम अंकल के बेटे हो, आतिफ आलम? जी जी एग्जैक्टली। हमारा रिश्ता तो पहले से ही, मेरी फैमिली तुम्हें बहुत अच्छे से जानती है। इवन ईमान तुम्हारी भाभी है, और तुम्हें मुझसे मिलने की क्या जरूरत है? शिफा के लिए घर वाले सब राजी हो जाते तुम्हारे लिए? बिल्कुल मना नहीं करते शान भाई, लेकिन मैं खुद चाहता था कि आपसे एक बार मेरी मुलाकात हो जाए। हाँ, आते की मुलाकात हुई भाई से? हाँ वो अभी मिलने ही गया यार। थैंक्स, तुमने उसे भाई से मिलने से राजी किया। क्योंकि मैं भी यही चाहता हूँ यार कि मसले का कोई हल निकल आए। अगर भाई और आते की मुलाकात अच्छी रही ना, तो आगे का सारा काम आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। अफान, तुमने जिस तरह मुझे फेवर दी और मुझे एडवाइस किया, ये बहुत मायने रखता है मेरे लिए। मैं पहले भी तुम्हारी इज्जत करती थी, लेकिन अब तुम्हारी इज्जत मजीद बढ़ गई है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे जब भाई बहन के सर पर हाथ रखता है। तुम वाकई बहुत अच्छी लड़की हो शिफा, बिल्कुल मेरी बहन जैसी हो। और आगे भी जो मुझसे हो सकेगा वो मैं करूंगा तुम्हारे लिए, यकीन रखो मेरा। हाँ, और अब मेरा दिल कहता है कि सहरिश की कोई भी चाल ना हमारे काम को मुश्किल नहीं बना सकती। जरूर। सॉरी यार, वैसे क्या सोचा है, स्टडीज कंप्लीट करने के बाद क्या करोगे? बिजनेस ज्वाइन करोगे या कुछ और जॉब? एक्सक्यूज मी, मेरी वाइफ मुझे कॉल कर रही है, अगर पुराना माने मिला। थैंक यू। हेलो, मेरा फोन क्यों उठा रहे थे आप? सरिश किसी के साथ बैठा हुआ हूं मैं। किसी के साथ या किसी लड़की के साथ या फिर ईमान? आप ही सरिश, क्या हो गया तुम्हें? आतिफ आया हुआ है, शिफा ने मुझे बताया था ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसलिए मुझसे मिलने आए। तो मेरे मना करने के बावजूद भी ये बाज नहीं आया। मैंने इससे कहा भी था कि शिफा से दूर रहे। सरिश क्या हो गया तुम्हें? आप जानते हैं कि ये आतिफ कौन है? अच्छी तरह जान, ईमान का देवर है, आलम अंकल का बेटा है। नहीं जिशान, या तो वही है जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की। मैं उसे समझाया था कि शिफा से दूर रहे। ये मेरी जिंदगी बर्बाद करने के बाद अब शिफा को वरगला रहा है। क्या? हाँ, आप अभी इसी वक्त अपने ऑफिस से धक्के देकर बाहर निकाले। सैरिश आपसे जो कुछ, तुम्हारी इतनी जरूरत कि तुम यहां आए, दफा हो जाओ यहां से शिशान। पर अगर शिफा के आसपास नजर आए तो तुम्हें जान से मार। वो जो कुछ कह रही है झूठ कह रही है। चुप, चुप। तुम्हें जान से इसलिए नहीं मार रहा ताकि ईमान की जिंदगी में कोई तकलीफ ना पैदा हो।
मेरी बात तो सुने। दफा हो यहाँ से। हेलो सरश, क्या समझा हुआ है आपने मुझे? हाँ, खिलौना हूँ या कोई भेड़ बकरी हूँ? क्या कह रही हो तुम, क्या हुआ है? मुझे लगा था जिस शख्स ने मेरी जिंदगी बर्बाद की है आप उसे सजा ना दिलवा सकें, पर इतनी नफरत तो जरूर करेंगी कि वो आपके और आपके खानदान के आसपास भी ना बैठे। हाँ तो क्या आपकी शह पे ईमान आप ही वो जिशान के पास शिफा का रिश्ता लेकर पहुंचा हुआ है? ये एहसास करती हैं आप मेरा? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको अपनी हालत के बारे में बताया था, अगर आपको नहीं अच्छी लगती तो एक बार ही बता देना, मर जाती हूँ कि रोज रोज की मौत ना मारे मुझे। अल्लाह ना करे मेरी गुड़िया, तुम ही तो हो जिससे मुझे पापा के होने का एहसास होता है। तुम्हारी सूरत देखकर ही तो मुझे एहसास होता है कि ऐसा लगता है जैसे पापा मेरे साथ मौजूद है। झूठ मत बोले, अगर ऐसा होता ना तो आप इतनी खुश और मुतमईन ना होती। जिस घर के बेटे ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी आप उस घर को आबाद करके ना बैठी होती। बीबी जी सामान ले आया हूँ, किचन में रख दिया मैंने। ठीक है, आप लंच बना लें और जब बाबा नींद से जाग जाएं तो उन्हें खिला दीजिएगा। जी बेहतर। और मेरा पूछें तो बता दीजिएगा, मैं जरूरी काम से गई हूँ, जल्दी आ जाऊंगी। ठीक है। रियली सॉरी आतिफ, मुझे अंदाजा नहीं था कि भाई पर तुम्हारा पॉजिटिव इम्प्रेशन पड़ने से पहले ही सहरिश को पता चल जाएगा और भाई तुम्हारे बारे में कोई भी राय लेने से पहले तुमसे बदजन हो जाएंगे। लेकिन मैं जानता था शिफा, सैरिश किसी बदुआ की तरह चिपट चुकी। हमारी मोहब्बत को कोई भी कोशिश, कोई भी दुआ इस बदुआ से नहीं बचा सकती। ऐसा नहीं आतिफ, मोहब्बत में बहुत ताकत होती है और वो बुरे से बुरे इंसान को हरा सकती है। मैं नहीं मानता शिफा, अगर ऐसा होता तो हमारी कोई ना कोई कोशिश तो कामयाब होती ना। कभी तो उसके वार से बचते। कभी तो शिफा, कभी तो। आतिफ। शिफा, मैंने उस दिन तुम्हारे इंसिस्ट करने पर और अफान की प्लानिंग की वजह से मैं जीशान भाई से मिलने गया और इस उम्मीद से कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, और हमारे दिलो दिमाग इतने सादा हैं, सैरिश की एक फूंक से हम लोग तितर बितर हो जाए। प्लीज मुझे अपने दिल से निकालने की कोशिश करना। मायूस मत हो प्लीज, और झूठ कितना ही ताकतवर क्यों ना हो लेकिन सच से कभी नहीं जीत सकता। हम कुछ और सोचते हैं, हम कुछ और कर लेंगे ना। नहीं होगा शिफा, कोई फायदा नहीं होगा। मुझे लगता है कि अब मुझे जाने की तैयारी कर लेनी चाहिए और तुम्हें मुझे भूलने की। अफान, मैं तुम्हारे और शिफा के कहने पर जीशान भाई से मिलने गया था इस उम्मीद पर कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर मैं अब बाबा से कभी नहीं मिल सकूंगा, शिफा को कभी नहीं देख सकूंगा और ईमान भाभी की नजरों में अपनी इज्जत कभी भी नहीं लौटा पाऊंगा, और भाई भाई के दिल से हमेशा के लिए उतर जाऊंगा। सहरिश तो हमारी सोच से भी ज्यादा छात्र निकली आती।
हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना तुम्हें हटाने के लिए मुझे तुम्हारे जैसे ओछे हथकंडे अपनाने पड़ेंगे। एक बात बताऊं शिफा, असल और नकल में बड़ा फर्क होता है। तुम चाहकर भी वो नहीं कर सकती जो मैं सोच कर बैठी हूं, इसलिए बेहतर है हार तस्लीम कर लो, भूल जाओ। आतिफ एक बार मुझे ठुकराने की गलती कर चुका है, जिसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी, इसलिए तुम दोनों अब अपनी हार को तस्लीम कर। यही अल्फाज तुम्हारे लिए हैं मेरी तरफ से, तुम हार मान लो, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरों की जिंदगियां बिगाड़ते बिगाड़ते तुम्हारी खुद की किस्मत बिगड़ जाए। बहुत ज्यादा नहीं बोल रही हो तुम, लगता है इश्क का भूत सर पे चढ़ के नाच रहा है। ज्यादा दीवानी मत बनो। मुझे अब किसी का कोई डर खौफ नहीं है, क्योंकि तुम्हारी हर दर्मी और बेवजह की दुश्मनी मेरे लिए जो बिगाड़ सकती थी वो बिगाड़ चुकी है, लेकिन मैं अब कुछ बर्दाश्त नहीं करूंगी। क्या करोगी तुम? मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठे करोगी ड्रामा और फिल्मों की तरह? क्यों नहीं, जब तुम ये सोच सकती हो तो मैं क्यों नहीं। मतलब सहरिश, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ, तुम जिशान भाई और ईमान आपी को सब कुछ बता दो कि आतिफ गलत नहीं है, उस पर जो इल्जाम लगाए वो सब झूठे हैं, और ये बात बड़ों तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाए, वरना सहरिश। वरना क्या? मैं भूल जाऊंगी कि तुम एक लड़की हो और मेरी कजन हो, तुम्हारा झूठ बेनकाब करने के लिए मैं कुछ भी कर गुजरूंगी। तुम जो कर सकती हो ना शिफा कर लो, लेकिन तुम्हें और आती को मैं एक होने नहीं दूंगी, ये बात तो तय है। ईशान का नंबर क्यों ऑफ जा रहा है? ईमान, ईमान बेटा, ये आप उठ गए साहब? मैं खाना लाता हूं। ईमान कहाँ है? सब वो तो बाहर गई है, कह रही थी कुछ जरूरी काम है और 2-3 घंटों में वापस आ जाएगी। अच्छा अच्छा, मैं खाना लाऊं साहब? नहीं नहीं, मुझे घूमने। ठीक है सर। पापा चले जाओ यहां से, चले जाओ और अपनी सूरत मुझे दोबारा मत दिखाना। मैंने कहा दबाओ दो।
अस्सलाम वालेकुम, मुझे ज़ीशान मुबशर से मिलना है। सॉरी मैम, ज़ीशान साहब तो मौजूद नहीं है। नहीं है? कहाँ गए हैं? साइट पर गए हैं। अच्छा, मैंने कॉल भी की थी, उनका नंबर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। मैं आपका मैसेज कन्वे कर दूंगी मैम, प्लीज आप अपना नाम बताइए। ईमान। ओके मैम, थैंक यू। हेलो। हेलो सरिश, अब वहां बैठकर झूठी हमदर्दियां दिखाने की कोई जरूरत नहीं। बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ कि आपके सारे जज्बात सिर्फ जबानी कलाम हैं। मेरी बात तो सुनो। मुझे कोई बात नहीं सुननी। जानती हूँ कि आप क्या कहेंगे, कि आपने अपने ससुर के लिए अपना रवैया बेहतर किया है खानदान को सो कॉल्ड फखर महसूस करवाने के लिए, लेकिन मेरे समझने के लिए इतना ही काफी है कि आप वहाँ खुशो खुरम अपनी घरेलू जिम्मेदारियां पूरी कर रही हैं, एक अच्छी बीवी बहू बनकर अपना किरदार निभा रही हैं। और रही बात आतिफ की, तो आज नहीं तो कल आप उसे भी गले से लगाने और माफ करने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेंगी, इसलिए मुझे समझाने और बहलाने की कोई जरूरत नहीं है। जो करना होगा वो मैं खुद कर लूंगी। सरिश, मैं तुम्हारे दुख का मदावा कैसे करूं? कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं तुम्हारे लिए बहुत दुखी हूं, बहुत हमदर्दी है तुमसे। सरिश, मुझे सरिश को घर जाकर समझाना चाहिए, लेकिन बाबा अकेले हैं। मैं कलाहत से पूछ कर थोड़ी देर के लिए चली जाऊंगी। काका, सलाम साहब। वालेकुम सलाम। बाबा कहाँ? बड़ी साहब अपने रूम में सर। अच्छा, एक काम कीजिए, आप बीबी जी को कहिए बाबा के कमरे में आ जाएं और आप चाय भी ले आइए। मगर बीबी जी तो घर में नहीं है। घर पर नहीं, कहाँ गई? साहब कहकर गई है कि बड़ी साहब को खाना दे देना अगर मांगे तो, लेकिन साहब ने तो मांगा नहीं, टाइम भी बहुत हो गया। ठीक है, आप जाइए। ठीक है। अम्मी, मैं ज़ीशान के साथ नए बंगले में शिफ्ट होने का सोच रही हूँ। नए बंगले में? लेकिन क्यों सरिश, अच्छी भली रह तो रही हो यहाँ पे? शौहर ताबेदार है तुम्हारा, सारे घर वाले तुम्हारी नादानियों को बचपना समझ के नजरअंदाज कर देते हैं। कोई जिम्मेदारी नहीं है यहाँ तुम्हारी, और कैसा घर चाहिए बेटा? अलग घर के कितने हजारों मसले होते हैं पता है, कैसे संभालोगी? अम्मी, आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि मुझे किसी की सपोर्ट की मोहताजी नहीं है। और रही बात आपकी, तो आपके लिए कमरा सेट करवा दूंगी वहां। मुझे आपके कमरे की कोई जरूरत नहीं है, अब इस घर से तो मेरा नाता मर के ही टूटेगा। तो कहीं आप ये तो नहीं चाहती कि मैं भी इस घर से मर के ही निकलूं? अल्लाह ना करे, मरे तुम्हारे दुश्मन। सरिश, कुछ भी बोलती हो बेटा, दो वक्त मिल रहे हैं, अच्छी दुआ मांगो। फिर तो अम्मी मैं ये दुआ करूंगी कि मुझे इस घर से जल्द छुटकारा मिल जाए। या अल्लाह, ये लड़की क्यों हर रोज कोई नई तान छेड़कर बैठ जाती है? अच्छी खासी पुरसुकून जिंदगी में अब ये नया राग लापने की सोच रही है। बीजान और भाई साहब वगैरह सुनेंगे तो क्या गुजरेगी उनके दिलों पे? ये अल्लाह तू इसे हिदायत दे, अल्लाह पाक इसे हिदायत दे।
क्या क्या लग क्या रहा है कि डॉक्टर साहब को उनको क्या इशू क्या? जी जी मैंने प्रॉपर इनको चेक कर लिया है, पहले से काफी बेहतर कंडीशन है। ठीक है, और इंशाल्लाह मैं कल आके फिर दोबारा इनको चेक कर लूंगा। आप प्लीज कल फिर आ जाइए। या फॉर द बेस्ट, थैंक यू, टेक केयर, सी यू। आहत, ये डॉक्टर साहब क्यों आए थे? बाबा की तबीयत ठीक नहीं थी तो वो उनको चेकअप करने आए थे। ओ, अब कैसी तबीयत है बाबा की? बेहतर है। आप तुम कहाँ थी? मैंने तुम्हें इतनी बार कॉल्स की। ने मुझे कॉल की थी? हाँ, मैंने तुम्हें दो चार दफा कॉल की है, इवन तुम्हारे घर पे भी कॉल की थी। कहाँ गई थी? मैं जीशान के ऑफिस गई थी। What? जीशान के ऑफिस क्यों? हाँ, वो एक्चुअली सैरिश ने मुझे फोन करके बताया था कि आतिफ जीशान के ऑफिस गया था शिफा का रिश्ता मांगने के लिए। तो मैं जीशान से बात करने गई थी, लेकिन मेरे जाने से पहले वो ऑफिस से निकल गया था। वरना मैं उसे समझाती कि शिफा को समझाए, शिफा तो बच्ची है, दिल ही दिल में वैसे ही पसंद करती थी वो आतिफ को। हो सकता है आतिफ की मोहब्बत में पिघल जाए वो, लेकिन अगर जीशान उसे समझाएगा तो वो समझ जाएगी। उसके लिए ये बेहतर है कि वो आतिफ से दूर रहे। अच्छा, तुम जाओ कमरे में, जाओ रेस्ट करने। खाना खाया आपने? हाँ मैंने खा लिया, जाओ तुम भी खा लो। क्या कर रही हो? क्या चीज तलाश करने आई थी? कुछ नहीं, वो मुझे तुम्हारा ये दुपट्टा चाहिए था, बस यही लेने आई थी। हाँ तो मुझे कह देती, आज के बाद बिना इजाजत मेरे कमरे में मत आना। मुझे कोई शौक नहीं था तुम्हारे कमरे में आने का, वो तो मजबूरी में आना पड़ा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम झूठ बोल रही हो? और दुपट्टे के लिए नहीं बल्कि किसी और चीज के लिए मेरे कमरे में आई थी। अच्छा, तो फिर तुम ही बताओ ऐसी क्या चीज है तुम्हारे कमरे में जो मेरे लिए कारामद हो? कोई नहीं, इसलिए कह रही हूं आइंदा एहतियात करना। और तुम भी, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी सारी चलाकियां धरी की धरी रह जाए। गेट आउट। का बिगड़ा हुआ माहौल देखकर भी तुम उसको अनदेखा कर दोगे क्या? सरीश ने जो ये नया शोशा छोड़ा है उसके बाद तुम कुछ नहीं कहोगे? बीजान, जब उसने फैसला कर लिया है तो कोई क्या कर सकता है, उसकी खुद सरी से तो हम सब वाकिफ हैं। बात को तूल देने से क्या फायदा होगा? इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि वक्त तो हालात को देखते हुए हाथ पे हाथ धर के बैठा रहे इंसान? ये नहीं हो सकता। बशीर, तुम जीशान से बात करो, हर बात में सहरिश की हाँ में हाँ मिलाने की जरूरत नहीं उसे। मैं अब किसी को कुछ नहीं कहूंगा बीजान। मुझे ऐसे लगता है कि हमारी औलाद जो है वो बहुत बड़ी हो गई है और अपना हर फैसला खुद करने के काबिल है, इसीलिए तो सहरिश ने ये सोचा है।
जिशान की और सैरिश के मिजाज में बहुत फर्क है। जिशान को तो ये भी नहीं पता होगा कि इस वक्त सैरिश क्या सोच रही है। अच्छा तो फिर ठीक है, मैं खुद बात करती हूँ उससे। मिजाज न मिलना और बात है, और घर को तोड़ना और बुजुर्गों को छोड़कर चले जाना दूसरी बात है। शिफा कहाँ है अम्मी? अरे ऊपर ही होगी अपने कमरे में, क्या हुआ तो इतने नाराज क्यों लग रहे हो? जिशान ये इसे क्या हुआ? शफा के बारे में क्यों पूछ रहा था? न जाने अब इस लड़की ने क्या कर दिया है। शिफा मैं आपका ही वेट कर रही थी। आज के बाद तुम आफिस नहीं मिलेगी, और ये मेरा फैसला है। मुझे आपका फैसला मंजूर है भाई, लेकिन उससे ना मिलने की कोई ठोस वजह बता दीजिए। वो लड़का ठीक नहीं, किसी भी शरीफ लड़की के लिए वो लड़का बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता। क्या किया है उसने? वो बुरा इसलिए है क्योंकि उसने सहरिश का चेहरा आपके सामने बेनकाब कर दिया। झूठ बोल रहा है, खुद को बचाने के लिए वो सिर्फ सहरिश पर इल्जाम लगा रहा है और कुछ भी नहीं है। शिफा भाई उस पर ना सही, कम अज कम मुझ पर तो यकीन कीजिए। मैंने ही उसे कहा था कि वो आपसे जाकर मिले, क्योंकि मुझे लगता था कि आप इंसान को पहचान सकते हैं। मुझे लगता था कि आप उससे बात करेंगे तो आप बात को समझ जाएंगे। क्या बात क्या है बताओ मुझे, सुनाओ क्या है बात जो मुझे अभी तक पता नहीं, बोलो। यही कि सहरिश ने आपको भी धोखा दिया है। क्या? इस बात का सबूत ये रिपोर्ट्स हैं। ये रिपोर्ट देखें, ये वही रिपोर्ट्स हैं भाई जिसे दिखाकर उसने आपको शादी के लिए मजबूर किया। के लिए माफी चाहूंगी भाई, लेकिन सहरिश आपसे मोहब्बत नहीं करती, बल्कि वो तो किसी से मोहब्बत नहीं करती। वो इंतहाई खुद पसंद और खुद गर्ज लड़की है। वो आतिफ से भी इसलिए बदला ले रही क्योंकि आतिफ ने उसकी मोहब्बत को ठुकराया था। आतिफ पर बहतान लगाकर उसने ईमान आपे की जिंदगी में बहुत मुश्किलें खड़ी की। उससे किसी की खुशियां बर्दाश्त नहीं होती। भाई क्या आप ऐसी लड़की का साथ देकर खुश रह पाएंगे? मुझे फिकर आतिफ और अपने रिश्ते की नहीं, बल्कि गुस्सा मुझे इस बात पर आ रहा है कि उसने आप जैसे इंसान को धोखे में रखा, आपकी अच्छाइयों को उसने कमजोरी समझा। वो सिर्फ एक की नहीं बल्कि वो सबकी मुजरिम है भाई। इतना सब कुछ करने के बाद भी उसे अपने किए पर कोई पछतावा ही नहीं है। इससे पहले भाई कि वो कुछ और करे, आपको उसे रोकना होगा।
प्लीज भाई आप उसे रोकें। काश तू भी कभी दिखाई दे।